श्री राधे, साथियों, क्या आप जानते हैं किन किन पेड़ों में होता है भूत प्रेतों का वास? पेड़ से हमें ऑक्सीजन तो मिलता ही है, लेकिन रात्रि में उनमें नकारात्मक शक्तियां का भी प्रवेश होता है, जो हमारे लिए काफी कष्टकार होता भी है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं जिनमें भूत प्रेतों का वास होता है। इमली का पेड़। ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ में चुड़ैलों और भूत प्रेतों का वास होता है। विशेषकर रात्रि के समय इस पेड़ के करीब भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो वैज्ञानिक बताते हैं कि इस पेड़ की छाव शरीर पर अजीब सी सुस्ती लाती है और शरीर को जकड़न भी देती है। दूसरा, मौल सिरी। इस वृक्ष पर भी भूत प्रेतों का निवास माना गया है। इसके फूल खुशबूदार होते हैं। इन सुगंधित पुष्पों से इत्र बनाया जाता है, इसलिए यह प्रेत आत्माओं के लिए प्रिय वृक्ष है। पीपल का वृक्ष। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में सबसे महान पेड़ की संज्ञा इसको दी गई है। पीपल की पूजा का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत है। इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास बताया गया है, फिर भी इसकी पूजा रात्रि में करना मना है। रविवार को भी इसकी पूजा नहीं की जाती। ऐसा माना जाता है कि पेड़ में रात्रि के समय भूतों का निवास होता है। कीकर का वृक्ष। कीकर वृक्ष को बबूल का पेड़ भी कहते हैं। इस वृक्ष पर भी भूत प्रेत रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इस वृक्ष में रोज पानी डालकर इस वृक्ष पर रहने वाले प्रेत को प्रसन्न किया था और उसी की मदद से हनुमान जी के दर्शन प्राप्त और श्री राम जी के करीब पहुंचे थे। वट वृक्ष। सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला वृक्ष है। हालांकि यह पेड़ भी हिंदुओं में पूजनीय है, रात्रि में इसमें भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इस पेड़ में कुछ ऐसी विशेषता है जिससे नकारात्मक शक्तियां इसकी ओर खींच चली जाती हैं। ये कुछ पेड़ थे जिनमें भूतों का वास होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।